वेलकम गाइस दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मेरे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दोस्तों बस नंबर 717 की। दोस्तों ये बस शहबाद मोहम्मदपुर से बदरपुर रोड तक जाती है। इस दौरान ये बस 36 किलोमीटर तक का सफर तय करती है और दोस्तों ये सुबह 4:30 से रात 8 बजे तक चलती है। इस दौरान 57 स्टॉप आते हैं जो वीडियो के आगे हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब बात करते हैं दोस्तों बस रूट की। तो पहला स्टॉप शहबाद मोहम्मदपुर, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है द्वारका सेक्टर 22, इसके बाद जो स्टॉप आता है द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन, अगला स्टैंड जो आता है द्वारका सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन रोड 205, फिर जो स्टैंड आता है द्वारका सेक्टर 20 और 21 क्रॉसिंग, अब जो स्टैंड आता है जानकी अपार्टमेंट सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है द्वारका सेक्टर 22 और 23 क्लासिक अपार्टमेंट, इसके बाद जो स्टॉप आता है केशव कुंज पोचन क्रॉसिंग, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन रोड क्रॉसिंग। दोस्तों अगर आप डीटीसी बसों में, क्लस्टर बसों में या अन्य किसी बसों में ट्रेवल करते हैं और उन बसों में कभी न कभी किसी न किसी प्रॉब्लम को आपने फेस जरूर किया होगा, या आपने किसी महिला या सीनियर सिटीजन्स की हेल्प की होगी, या आपने ट्रेवल के दौरान उन बसों में कुछ भी ऐसा देखा होगा, तो दोस्तों अब आप अपना ओपिनियन हमें मेल के जरिए भेज सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जिसे हम अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं भी डीटीसी बसों में ट्रैवल करता हूं और डीटीसी बसों में ट्रैवल के दौरान मैं हमेशा मास्क पहनकर ही ट्रैवल करता हूं, अपनी सीट को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके ही उस सीट पर बैठता हूं। दोस्तों ट्रैवल करते समय मैं अपने मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूं, और दोस्तों जैसा कि मैंने देखा है कि कुछ लोग ट्रैवल के दौरान बसों में सो जाते हैं, तो दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने मोबाइल और पर्स को सेफली रखना है और बहुत ही सावधानी से ट्रैवल करना है। दोस्तों अब आप भी अपना ओपिनियन, अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है dillidtcinfo@gmail.com। दोस्तों जिसे मैंने अपने चैनल के अबाउट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों फिर जो स्टॉप आता है द्वारका सेक्टर 21 क्रॉसिंग, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है शहबाद मोहम्मदपुर, इसके बाद जो स्टॉप आता है द्वारका लिंक रोड, अगला स्टैंड जो आता है पुष्पांजलि जी ब्लॉक, नेक्स्ट स्टैंड जो आता है समालखा क्रॉसिंग, अब जो स्टैंड आता है द अपल होटल, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है शिव मूर्ति, फिर जो स्टॉप आता है रंगपुरी, इसके बाद जो स्टॉप आता है महिपालपुर स्टेशन अब्दुल गफ्फार खान मार्ग। और दोस्तों डीटीसी बसों में लगे चार्टर ऐप के बारकोड के जरिए अब आप बारकोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। दोस्तों महिलाओं का जो डेली फ्री पिंक पास बनता है वो भी आप इस ऐप के जरिए ले सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप वहां से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो स्टॉप आता है महिपालपुर, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है माता चौक, इसके बाद जो स्टॉप आता है E2 वसंत कुंज, अगला स्टैंड जो आता है रंगपुरी पहाड़ी, अब जो स्टैंड आता है वसंत कुंज, फिर जो स्टैंड आता है ISIC हॉस्पिटल वर्मा फार्म, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है कठुरिया पब्लिक स्कूल साईं दरबार मंदिर, इसके बाद जो स्टॉप आता है मसूदपुर डेयरी, अब जो स्टैंड आता है मसूदपुर गांव। दोस्तों अगर आप डीटीसी बसों में ट्रेवल करते हैं और उन बसों में ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों अगर आपके पास दिल्ली मेट्रो कार्ड है तो आप कंडक्टर से मेट्रो कार्ड स्कैन करा के भी टिकट ले सकते हैं। फिर जो स्टॉप आता है वसंत कुंज B1, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है LLBS वसंत कुंज सेक्टर A, इसके बाद जो स्टॉप आता है वसंत कुंज सेक्टर A पॉकेट B&C, अगला स्टैंड जो आता है अंधेरिया जिंक, अब जो स्टैंड आता है अंधेरिया क्रॉसिंग, नेक्स्ट स्टैंड जो आता है अहिंसा स्थल, और अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर जो आता है लाडो सराय क्रॉसिंग, इसके बाद जो स्टॉप आता है लाडो सराय टर्मिनल, फिर जो स्टॉप आता है धोला पीर मेहरूली बदरपुर रोड,
और दोस्तों दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं 181 और 1091, दोस्तों बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1098, दोस्तों साथ ही अब आप अपने मोबाइल पर दिल्ली पुलिस का हिम्मत प्लस ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप से आप और सीनियर सिटीजन्स और महिलाएं बसों में ट्रेनों में और भी ज़्यादा सुरक्षित यात्रा कर सकती हैं। इस ऐप से आप SOS की मदद से दिल्ली पुलिस को इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, दोस्तों आप वहां से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जो स्टॉप आता है साकेत मेट्रो स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है मैदान गढ़ी क्रॉसिंग, इसके बाद जो स्टॉप आता है साकेत क्रॉसिंग, अगला स्टैंड जो आता है एशियन मार्केट, अब जो स्टैंड आता है इंस्टीट्यूट फार्मेसी दिपसर, इसके बाद जो स्टैंड आता है अंबेडकर नगर टर्मिनल। दोस्तों अब चलते हैं अगले स्टॉप की ओर, जो आता है खानपुर जंक्शन, इसके बाद जो स्टॉप आता है वायुसेना बाद, अब जो स्टैंड आएगा बत्रा हॉस्पिटल सत्यनारायण मंदिर। दोस्तों दिल्ली में चलने वाली DTC बसों की अब आप गूगल मैप पर लाइव लोकेशन देख सकते हैं। DTC बसों में अब आपको यात्रा करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इन बसों की सभी जानकारी आप गूगल मैप पर लाइव देख सकते हैं, जैसे कि रियल टाइम टेबल, बस रूट और बसों के नंबर आप मैप पर लाइव देख सकते हैं। दिल्ली में कौन सी बस कहाँ जाएगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी देरी से चल रही है, ये सभी जानकारी आप मैप पर लाइव देख सकते हैं दोस्तों, जिससे दिल्ली के लोगों को अब बसों के स्टॉपों पर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बसों के स्टॉपों पर भीड़भाड़ भी कम रहेगी, लोगों का कीमती समय बचेगा और लोगों को DTC बसों में ट्रैवल करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। फिर जो स्टॉप आता है हमदर्द नगर संगम विहार, नेक्स्ट स्टॉप जो आता है एयरफोर्स स्टेशन, इसके बाद जो स्टॉप आता है तुगलकबाद, अगला स्टैंड जो आता है काया माया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, अब जो स्टैंड आता है MB रोड मेहरूली बदरपुर रोड, इसके बाद जो स्टैंड आता है प्रेम नगर। और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्टॉप की ओर, जो आता है लाल कुआं, इसके बाद जो स्टॉप आता है सूरज कुंड क्रॉसिंग, अब जो स्टैंड आता है राजीव गांधी स्टेडियम। दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जो आने वाले कुछ महीनों में और अधिक होंगी। और दोस्तों दिल्ली में चलाई जाने वाली DTC बसें 4 कैटेगरी में चलती हैं, जो AC और नॉन AC दोनों होती हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू। फिर जो स्टॉप आता है जैतपुर क्रॉसिंग, और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है बदरपुर बॉर्डर तक ये बस जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं DTC क्लस्टर AC बसों के किराए की। दोस्तों DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है, इनका किराया है ₹5, ₹10, ₹15। DTC की नॉन AC बस का पास ₹40 का बनता है, जो कि क्लस्टर बस और AC बसों में नहीं चलेगा। दोस्तों AC बस का किराया है ₹10, ₹15, ₹20, ₹25। इस बस का डेली पास ₹50 का बनता है, जो कि DTC की नॉन AC बस, क्लस्टर बस और AC बसों में चलेगा। ये पास 12 घंटे तक ही मान्य होता है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोविड के चलते DTC बसों में ट्रेवल करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि ज्यादा जरूरी काम पड़ने पर ही आप अपने घरों से बाहर निकलें। DTC बसों में ट्रेवल करते समय हमें मास्क पहने, अपनी सीट को अच्छी तरह से सैनिटाइज करके ही उस पर बैठें, अपने आसपास के लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें, खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों अगली वीडियो आपको जिस बस रूट की चाहिए हो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।